निराश परे सुप्रीम कोर्ट गले केजरीवाल, हाईकोर्ट को राय को दिले चैलेंज। हाईकोर्ट रु निराश हेबा परे सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइछंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली अबकारी नीति दुर्नीति मामलें छंदी होई गिरफ होइथिबा मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रथमे हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले, तबे ईडी गिरफदारी को वैध दर्शाई मामला को खारज करथिले हाईकोर्ट। कोर्ट कहिथिले अबकारी दुर्नीति मामलें केजरीवाल को विरोध में यथेष्ट प्रमाण देखाइछि प्रवर्तन निर्देशालय, फलरे दिल्ली मुख्यमंत्री गिरफदारी को यथार्थ बोली कहिथिले हाईकोर्ट। यहां आज सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइछंती दिल्ली मुख्यमंत्री। महंगे महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल एक माहौल तो बना सकते हैं लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल, आपने शराब घोटाले में चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है और आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह से दोषी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा हम सबको स्वीकार होगा, लेकिन कल की टिप्पणी के बाद नैतिकता जो आम आदमी पार्टी में शून्य है, इनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये थोड़े सी भी इनको शर्मिंदगी होगी। ये जाना चाहते हैं, जाए, इनका अधिकार है, लेकिन अंततः सच यही है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। ईडी के पास ईमेल है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चैट है, लोकेशन है, तमाम मीटिंगों का दस्तावेज भी ईडी के पास है और वो न्यायालय में जमा है। ईडी ने 9 बार केजरीवाल साहब को अपने ऑफिस बुलाया कि इन पर स्पष्टीकरण दो, लेकिन वो केजरीवाल साहब तो अपने आप को रजवाड़ा शाही वीआईपी से भी वीवीआईपी मानते हैं। Just pay ₹990 and take an AC with easy EMI. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller. 24 घंटे केजरीवाल को डबल झटका। सप्ताह रे केवल 2 थर वकीलों को भेटी परिबे। मंगलवार हाईकोर्ट केजरीवाल को आवेदन पूर्वरु दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट देइथिबा निर्देश अनुसारे अप्रैल 15 जाय तिहार जेल रे रहिबे केजरीवाल। तबे सप्ताह को 5 थर वकीलों को भेटा जो आवेदन केजरीवाल करते कोर्ट खारज करछंती, तेणु सप्ताह को 2 थर वकीलों को भेटी पारे दिल्ली मुख्यमंत्री। यहसह निज पत्नी पिला और किसी घनिष्ठ बंधु को जेल रे भेटा नहीं अनुमति मिली। इसी हाईकोर्ट की स्वर्णकांता शर्मा जी की बेंच ने अप्रूवर के विषय में जो संजय सिंह जी के मामले में बात कही थी वही आज अरविंद केजरीवाल के मामले में कही है। मगर अब जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर नई राह देगा। जब हम संजय सिंह जी के मामले में गए थे ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मामले पर कुछ टिप्पणी करके कहा कि आप बेल अप्लाई कीजिए। हमने बेल अप्लाई की लोअर कोर्ट में, फिर हम हाई कोर्ट में आए और फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट में आए हमें बेल मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा राह जो है न्याय की दिखाई है। हमें लगता है आज भी सुप्रीम कोर्ट न्याय की एक राह दिखाएगा। केजरीवाल जी, बल्कि हेमंत सोरेन जी और तमाम लोग जिनको इन लोगों ने ईडी आईटी सीबीआई ये क्यों कहें अलग अलग, अपने आनुषंगिक संगठन के माध्यम से भाजपा ने जो किया है ना, वो पूरी की पूरी राजनीति धराशायी हो जाएगी। दिल्ली मद दुर्नीति मामलें केजरीवाल को मार्च 21 रे गिरफ कर ईडी 9 थर समन पाइबा सत्वे दिल्ली मुख्यमंत्री ईडी निकट रे हाजर होइ नथिले, तबे गिरफ परे कोर्ट तांकु ईडी रिमांड रे पठाइथिला। अप्रैल 1 रे सुनानी रे केजरीवाल को 15 तारीख पर्यंत विचार विभागीय हाजत को पठाइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।